इतना ग्लो का चार करने पड़ता, ग्लो का चार करने पड़ता है, तुझे ऐसे ही रखेंगे जैसे पहले रहती, मोर भी नहीं है बस, ये सब कुछ है भाई, सब है आपके साथ, बोलो ना, सब तेरे पीछे खड़े बेटू, बच्चे सब पीछे खड़े, आगे आगे तू चल, पीछे पीछे सब है, वो भी मत बिल्कुल देखी थी, ये वो वीडियो है, इस दिन राजू जी की तेल भी थी और तो उस दिन क्या होता है, पहले सब कुछ उतार लेते हैं हाथों में से बिछिए सब, फिर तेरवी वाले दिन मुझे वो साड़ी जो एक विधवा को पहनाते हैं वो पहनाई थी, फिर चूड़ी होती है वो पहना रहे हैं सब, अच्छा नहीं लगता पर वो सब, पर मैं वो हूँ, फिर उसके बाद thank you.
मजबूत बना रहे दिले बिल्कुल मजबूत हां मैं समझ रहा है कमजोर बिल्कुल मजबूत दिले बना के रहा बिल्कुल ठंडा दिल समझ ले तू मजबूत बना के रहेगी तो समझ लियो कि तू मोनू मोनू है ही तू आगे जो बस दर्द दिल तेरी बेटा हां भाई बेटी चल गई चीज होते आ गए कहां से बैक करने पर और फिर मेरे हाथों से वो जो विधवा वाली चूड़ी रहती है वो उतारी थी। उसके बाद जो मेरे भैया भाभी पहना रहे हैं वो चूड़ी इसलिए पहनाते हैं, चूड़ी बिंदी और एक बिछिया। ये वो बिछिया है वो इसलिए पहनाए हैं क्योंकि मुझे कोई गंदी नजर से नहीं देखे। मेरी बिंदी भी लगाई है क्योंकि मैं बाहर निकलूं तो सब मुझे उसी नजर से नहीं देखे कि मैं एक कि मैं एक विधवा हूं। इस वजह से मेरे माथे पे बिंदी भी लगाई है ना, तो वो सारे काम किए हैं। और उसको तो ये वो लगता है कि मजाक चल रहा है मेरी जिंदगी में, है ना। तुमने ये दिन पता है देखे नहीं है, मैंने देखे हैं ये दिन। तुम देखती है अपनी जिंदगी में कि ऐसे एक विधवा को ऐसी साड़ी पहनाई जाती है, इतनी सी उम्र में इतना सब कुछ हो जाता है। और अभी मैं इसलिए नहीं लगाती क्योंकि बिंदी भी मुझे अच्छा नहीं लगता। खुद से ही जब मुझे लगेगा जब मैं लगाऊंगी अच्छे से रहूंगी, अपनी बेटियों के लिए रहूंगी। और ये कुछ रीति रिवाज है जो होती है हमारे यहाँ पे, मुझे नहीं पता किसके यहाँ पे होती है किसके यहाँ पे नहीं होती, पर हमारे यहाँ पे होती है। और मैंने वीडियो भी इसलिए बनाई थी क्योंकि कल को मेरे से कोई ऐसा क्वेश्चन ना करे कि क्यों पहना है क्या है। ये है हमारे यहाँ पे रिवाज कि इतनी कम एज में जो भी कुछ हो जाता है या तो उसको एक बिछिया भैया के नाम का पहना देते हैं और एक बिंदी लगा सकती है, वो हाथों में चूड़ी पहन सकती है कि उसको कोई गंदी नज़र से ना देखे बाहर। कल को वो निकले कहते ना बेचारी देखो इसके साथ ये हो गया, या कोई गंदी नज़र से मुझे देखे, वो उस वजह से करते हैं। और मुझे नहीं पता, पर पता है बहुत बुरा लगता है। मेरे साथ एक बार हो गया तो पता है मेरी अंदर से मैं इतना टूट गई थी। पर उस टाइम पे राजवीर जी थे मेरे पास, उन्होंने मुझे संभाल लिया था। पर पता है जब मैं फिर दोबारा से टूट गई हूँ बिल्कुल, ये जो शब्द होता है ना विधवा वाला, और पता है कल कहीं भी किसी की शादी हो कुछ भी हो मुझे अलग कर देंगे कि ये एक विधवा है, इससे हम ये काम नहीं कराएंगे, हटाओ इसको, ये शुभ है या जो भी है ये। बहुत दुनिया की सोच भी बहुत गंदी भी है और अच्छी भी है, पर मुझे बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में फेस करनी है।
और ये वीडियो अभी की नहीं है, ये वीडियो पुरानी है, मैंने बनवाई थी, बोला था अंशु से कि लेना ये चीज़ क्योंकि ज़रूरी है एक बोलना, और आप लोगों को तो प्रूफ दिखाना पड़ता है हर चीज़ का, कुछ लोगों को, सबकी नहीं बोल रही मैं, कुछ लोगों को, क्योंकि आजकल दुनिया प्रूफ पे चलती है ना, फीलिंग्स कुछ इमोशन शायद नहीं होते होंगे कुछ लोगों के लिए, मैं सबकी नहीं बोल रही हूँ, सब बुरा मत मानना, कुछ लोगों की बोल रही हूँ बस। पहले मेरे पति का भी प्रूफ मांगा था कि वो है कि नहीं है, ये भी नहीं बोला था है कि नहीं है, सीधे बोलते थे कि वो जिंदा है नहीं, जिंदा है कि मारा नहीं, ऐसे ऐसे टाइटल डाल के सब। ध्यान नहीं देना चाहिए, मैं नहीं देती हूँ, कोशिश करती हूँ, पर कभी कभी जो हो जाता है तो बुरा लगता है थोड़ा सा, ठीक है, वो तुम लोगों की फीलिंग्स है जैसा भी तुम सोचो, इसीलिए मैंने प्रूफ रखा है आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, बाकी मेरी जो यूट्यूब फैमिली वो बहुत अच्छी है, मैं उसके सपोर्ट से पता है मैं सब कुछ करूँगी, मैं बहुत आगे बढ़ूँगी, और जो मेरे पति ने जो मेहनत की है, सूरज जी ने की है, राजवीर जी ने की, मैं उसको बहुत आगे तक लेके जाऊँगी, और ये हमारी ये मेहनत है ना, ये मैं बहुत आगे तक लेके जाऊँगी, अपनी बच्चियों के लिए, अंशु के लिए बहुत कुछ करूँगी आगे। सोचा है जो चीज़ राजवीर जी सोचते थे कि ऐसे करना है ऐसे करना है, वो मैं सब करूँगी, अपनी बेटी के लिए करूँगी, अपने परिवार के लिए करूँगी।